पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राजधानी समेत प्रदेश में मॉनसून का प्रभाव कमजोर होने से जिलों में कहीं हल्की तो कहीं छिटपुट वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 घंटे के दौरान मॉनसून तरफ सौराष्ट्र, शिवपुरी, अंबिकापुर गहरे दबाव से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगी। इसीलिए 15 जिलों के लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ऐसे में पटना सहित सभी जिलों में 48 घंटों के दौरान तेज हवा का प्रवाह बने होने के साथ अधिसंख्य भागों में हल्की तो कहीं छिटपुट वर्षा की संभावना है। उत्तरी भागों में कुछ स्थान पर गरज तरक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। जिन जिलों में बारिश के आसार हैं, वे हैं पटना, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, खगड़िया, आरा, बक्सर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी का एहसास होगा। प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य और सामान्य से 1 या 2 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे के दौरान पटना के आसपास और दक्षिणी भागों में अलग अलग स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी में 8.6 मिलीमीटर जबकि गया के मानपुर में सर्वाधिक वर्षा 46.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक होने के कारण 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 39.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पुपड़ी में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के कारण मौसम सामान्य बना रहा। सासाराम, दरभंगा, फारबिसगंज को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश में मॉनसून सीजन के दौरान मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में मौसम विज्ञानी चिंतित हैं। बीते 2 से 3 वर्षों के दौरान मौसम प्रणाली में बदलाव देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम और उसकी दिशा पूर्वा में गंगा के मैदानी भागों से होकर गुजरती थी। अब इसका प्रभाव मध्य भारत की ओर बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में संतुलित वर्षा का अभाव देखा जा रहा है। मॉनसून सीजन के दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवा गंगा के मैदानी भागों से होकर प्रदेश में आती है तो काले बादल छाए रहने के साथ वर्षा में तेजी आती है। सिवान के बड़हरिया में 32.2 मिलीमीटर, नवादा के हिसुआ में 32.2, गया में 26.2, सिवान में बसंतपुर में 14.6, पटना के पालीगंज में 12.4, सिवान के हुसनगंज में 12.2, नवादा के रोह में 11.8, वैशाली के लालगंज में 18.6, नवादा में 8.4, सारण के पानापुर में 7.2, वैशाली के राघोपुर में 7.2, नालंदा के हिलसा में 6.4, सिवान के जीरादेई में 6.2, पटना के श्रीपालपुर में 5.6, पटना के फुलवारी शरीफ में 5.2, औरंगाबाद के मदनापुर में 5.2, गया के बाराचट्टी में 4.2 मिलीमीटर, नवादा के काशीचक में 4.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।